Ninth question is very important. In the adjoining figure means this figure. Angle 1 is adjacent to angle 2. We know what is adjacent angle. We have read all this thing. Okay. Yes. Adjacent angle, angle 1 and angle 2. Common vertex. This is the common arm which is in the middle of the two arms. So answer is yes. Okay, let's move ahead. Angle AOC, AOC adjacent to angle AOE, AOE. You have written no. Why? Because इसमें लिखा है is AOC adjacent to AOE. Adjacent वो होता है जो उसके साथ वाला हो, वो तो उसके बीच में ही आ रहा है. जैसे अगर समझ लो, अगर वो बोलते AOC और COE तो भी होता वो ठीक है. तो हम लिखेंगे कैसे? I got it that you have understood. Adjacent के तीन पॉइंट होते हैं. फर्स्ट इज कॉमन वर्टेक्स, जो कि इसमें थी. ठीक है, कॉमन वर्टेक्स ओ था. कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी थी. थर्ड चीज होती है नॉन कॉमन. हाँ, ये वाला मेरे को समझ में नहीं आता. लास्ट वाला नॉन कॉमन आर्म एट द अदर साइड शुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. इसका मतलब क्या होता है? तो अगर एक हम नॉर्मल एडजेसेंट एंगल बनाए, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, सो जो नॉन कॉमन आर्म है वो ईदर साइड, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट में होना चाहिए एक लेफ्ट में होना चाहिए. बट उसमें ऐसा नहीं. इसमें क्या है, दोनों के दोनों राइट में है, तो ये चीज नहीं है. ठीक है, तो भी नहीं. तो इसलिए नो आंसर ठीक है. बट हम सिर्फ नो नहीं लिखते यहाँ पर. अभी तो उन्होंने रीजन नहीं मांगा है, लेकिन पेपर में रीजन मांग सकते हैं. और फिर मैं लिखूंगा बिकॉज इट डज नॉट हैव कॉमन नॉन कॉमन आर्म. नहीं, यू विल हैव टू राइट फुल थिंग. बिकॉज ओके, नॉन कॉमन नॉन कॉमन आर्म इज नॉट ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. इज नॉट, ऑब्वियसली ये तो येस में है ना, ये तो येस के लिए लिखा है. नॉन कॉमन आर्म इज नॉट ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है, सो ये एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लिख लो और एक बार ये डायग्राम बना लो एंड इसका रीजन भी लिख लो. एक वन मिनट. सो थर्ड पार्ट, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई एंड ई ओ डी, ई आई टेक अनदर कलर, ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर होता है जब वो इसमें दो हो, इसमें तीन, दो एंगल का सम 180 हो जाए. तो ये 180 हो रहा है. बट इसमें तीन नहीं है, इसमें इसमें तीन का लिए, दो ही तो लिए. हाँ, उन्होंने दो लिए बट तीन नहीं बना रहे वैसे, हाँ क्योंकि बीच में ये वाला एंगल भी तो आ रहा है. वो आ रहा है अपने आप, वो फिगर में है, बट हमने नहीं काउंट करना उसको. ठीक है, आंसर ठीक है, यस. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री. यस, यस, स्ट्रेट एंगल.
सप्लीमेंट्री बोले या फिर लीने पर बोले, बात ही की है। आंसर इज यस। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। एंगल वन इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल फोर। सो वर्टिकली यस ऑपोजिट होने के लिए क्रॉस बनना चाहिए। तो एंगल वन इज ऑपोजिटली ऑपोजिट टू, वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल फोर। ठीक है? ऑपोजिट होता है क्या? हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वर्टिकली ऑपोजिट ही होता है बस। चाहे वो यहां से यहां पे भी बोले तब भी उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट ही बोलते हैं। उसको वर्टिकली हाँ ठीक है, तो आंसर यस है इसका, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 5? सो 5 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है? 2 एंड 3। नोट बोथ एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, उन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा। कोई डाउट इसमें?